व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल वो हम रीयूज़ नहीं कर सकते और उनसे पॉल्यूशन भी फैलती है, पर इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं जिससे कि पॉल्यूशन की रेशो और उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और धीरे धीरे अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जब उसकी बैटरी रिप्लेस होगी तो बची हुई बैटरी का क्या करना है, इसका सोल्यूशन है ये। अभी भी प्रॉब्लम है, ज़रूर है, और इसको सिर्फ 5% रिसाइकिल किया जाता है वर्ल्ड में, और वो भी इतने अच्छे से नहीं कह सकते क्योंकि ये स्टैट्स हैं, बाकी 95% हमारी धरती को ही ख़राब कर रहा है। एक बार लिथियम को माइन करने के लिए पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा निकलता है, तो जब हम उसको रिसाइकिल करी जाएंगे उससे पोल्यूशन कम होएगा और हमारे लिए उतना ही अच्छा है। ये होता है, लेकिन इसको लिथियम के थ्रू यूज़ करना ये एक इनोवेशन है। हमने ज़रूर अपनी इनोवेशन ऐड ज़रूर की है। अगर कोई इंडियन इंडस्ट्रियल है, इसको अगर प्रोसेस को पढ़े और ऐसी इंडस्ट्री खोलना चाहे तो उसके लिए ये मनी मेकिंग भी रहेगी। वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल के वाहनों के बदल वजों इलेक्ट्रिक वाहनों को उभारा जा रहा है। बेशक इन्हां वाहनों नाल प्रदूषण नहीं हुंदा, पर कुछ ही सालों बाद वाहनों विच लगियां लिथियम बैटरियां दी लाइफ खत्म हो जाती है, जिस तों बाद इन्हां नूं डंप करन नाल वातावरण प्रदूषित हुंदा है। पर लुधियाणा दे BCM स्कूल दे विद्यार्थियों ने इस वड्डे मसले दा वी हल कढ लिया है। जी हाँ, हुण इन्हां बैटरियां नूं कचरे विच सुट्टण दी थां मुड़ तों बार बार रीसाइकल किया जा सकेगा, जिस नाल जिथे वातावरण प्रदूषित होने तो बचेगा उत्थे ही लोगों नूं बहुत ही सस्ते रेटा उत्ते बैटरी भी मिलेगी। नमस्ते, मैं अदिति ते यह मेरे सहपाठी पूरव, असी BCM स्कूल 32 सेक्टर तो आए हाँ ते असी अज तुहानू नेक्स्ट जन लिथियम बारे दसांगे। पहली गल कि यह नेक्स्ट जन लिथियम का मॉडल है, ये अंदर की होंगे कि असी लिथियम यूज़ करते हैं बैटरीज के अंदर, जो सानू सॉयल फिलिंग के अंदर करता है, जिवें सॉयल वो पोल्यूटेड होंगे तो आफ्टरऑल बहुत जो इदा के कॉम्पोनेंट्स भी छड़ता है, बहुत इदा दीज़ा भी छड़ता है जो कि साड़ी इनवायरमेंटली बहुत बुरा है, जो साढ़े आले दुआले के वातावरण भी दूषित करता है। तो प्रॉब्लम हमारी ये है कि आज पेट्रोल डीजल के कार्स को कम करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी यूज़ होती है जिसमें लिथियम यूज़ होता है। अब लिथियम जो है वो एक बार बैटरी ख़त्म हो गई है, उसके बाद में उसके डम्प्स बनाने के जगह हमें उसको रिसाइकिल करना चाहिए। तो ये रिसाइकिल करने के लिए हमारा 5 प्रोसेस है, इसके अलग अलग प्रोसेस हैं। सबसे पहले हम जो बैटरीज होती हैं, जो रिसाइकिल बैटरीज होती हैं, उसको सॉल्ट NaCl सोल्यूशन नाम होता है उसमें डाल के न्यूट्रलाइज हो जाता है वो, तो उसको फिर हम उसका मेटल प्लास्टिक सब निकाल देते हैं। उसके बाद हमारे एक प्रोसेस आता है जिसमें हमारे पास ये पाउडर आता है ब्लैक मास, इसमें आप देखेंगे इसमें लिथियम निकल कोबाल्ट ये सब बच जाता है। उसके बाद ये इंडस्ट्री एरियाज़ में 6000 डिग्रीज मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर के अंदर, हाई प्रेशर के अंदर इसके ऊपर जब वर्क होता है लीचिंग नाम के प्रोसेस से, तब हमारे पास एक लिथियम, जो लिथियम बचता है उससे एक और प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस। उस ये सिर्फ एक वो है बेसिक मॉडल है उसका, ये सब करके हमारे पास प्योर लिथियम आता है। अब ये तो सब वो बात हो गई, टेक्निकल बात हो गई, ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडस्ट्रीज और ज़्यादा खुलनी चाहिए, क्योंकि बात वहाँ पर आती है कि इतनी सारी बैटरीज यूज़ होने वाली है ना, और धीरे धीरे अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जब उसकी बैटरी रिप्लेस होगी तो बची हुई बैटरी का क्या करना है, इसका सोल्यूशन है ये। जितनी जल्दी हम ये करेंगे और जितनी एक्सपर्टीज़ हम ये इसमें पा सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री खुली है, जो एक दो खुली हैं पूरे वर्ल्ड में, वो इस प्रोसेस तक करते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से वो प्रोसेस और ज़्यादा प्योर हो जाता है और हमें प्योर लिथियम मिल सकता है।
जैसे कि हम लीचिंग करते हैं, जिसमें कि जैसे ये सल्फरिक एसिड है, सल्फरिक एसिड को हम अपने ब्लैक मास के साथ मिक्स करते हैं, जिससे कि हमें ब्लैक मास में से लीथियम जो कि वैल्यूएबल कंपोनेंट है वो मिल जाता है। फिर उसके बाद हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अभी तो इसका जस्ट एक सिंपल फॉर्मूला है कि हम किसी और चीज़ साथ कर रहे हैं, बट जो बेसिकली इंडस्ट्रीज में किया जाना चाहिए वो लीथियम साथ होता है, जिससे कि जो हमने यहाँ से लीथियम एक्सट्रैक्ट किया है वो लीथियम वहाँ जाके प्योर हो जाए और जिससे बैटरीज बन जाएं आगे जाकर, जो बैटरीज दोबारा हम एज न्यू यूज़ कर सकें। यही होता है। एंड जैसे कि ये लीथियम की एक साइकिल चलती रहती है, ये एग्जॉस्ट नहीं होता है। साइकिल चलने के साथ क्या होता है कि हम इसे दोबारा दोबारा यूज़ कर सकते हैं और ये पॉल्यूशन कम फैलाता है। जैसे कि हम बाकी के कंपोनेंट्स भी यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, पेट्रोल डीजल, वो हम रीयूज़ नहीं कर सकते और उनसे पॉल्यूशन भी फैलती है, पर इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं जिससे कि पॉल्यूशन की रेशो और उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो जब वो एक बैटरी निकाली गई है बड़ी, उस बैटरी का लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंपनीज में भेज सकते हैं कि हमारी बैटरी कम हो गई है, या जो भी मैकेनिक है वो हमारी कंपनी में भेज सकता है। एक बार हमारी कंपनी में आ गई, उसके बाद वो ये सारे प्रोसेस होएंगे। जब ये प्रोसेस हो जाएंगे, हमारे पास एंड में बच जाएगा लिथियम, जो हम दोबारा बैटरी बनाने वाली कंपनीज को दे सकते हैं और ये साइकिल चलता रहेगा। एक बार लिथियम को माइन करने के लिए पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा निकलता है, तो जब हम उसको रिसाइकिल करी जाएंगे उससे पोल्यूशन की कमी हो रही, पोल्यूशन कम होएगा और हमारे लिए उतना ही अच्छा है और हमारा सॉइल वगैरह सब साफ साफ रहेगा। और ये अगर हम पैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू करें, अगर कोई इंडियन इंडस्ट्रियल है इसको अगर प्रोसेस को पढ़े और ऐसी इंडस्ट्री खोलना चाहे, तो उसके लिए ये मनी मेकिंग भी रहेगी, क्योंकि जो लिथियम है उसको एक डंप बैटरी बहुत ही सस्ते रेट में मिलेगी, लेकिन लिथियम का प्राइस उससे बहुत ज़्यादा है। तो इट्स अ गुड प्रोसेस, इसको हम आराम से कर सकते हैं इंडस्ट्री वगैरह लगा के, और ये करना चाहिए इंडिया में। ये अभी यूएसए में होता है, एक दो इंडस्ट्रीज हैं और वो सिर्फ ब्लैक मास तक बनाती हैं। अब ये प्रोसेस ऐड करके और जितनी जल्दी हम इसकी एक्सपर्टीज पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आने वाले 10 साल के बाद हमें ये प्रॉब्लम ज़रूर आने लगेगी। हमारी आदत है कि हम प्रॉब्लम के बाद 20 साल रिसर्च करके एक सोल्यूशन निकालते हैं। अब हमें विजनरी बनना है, अगर आगे देख सकते हैं आगे वाली प्रॉब्लम को, अगर हम पहले ही जान लेंगे और उसका सोल्यूशन पहले ही बना के रखेंगे, तो सोचो ग्रोथ कितनी फास्ट हो सकती है। और अभी मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी वेस्टेज निकलेगी हमारे पास डंप बैटरीज की, तो ये प्रोसेस ज़रूर होना चाहिए और होएगा भी, बट जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि प्रॉब्लम आए उसके बाद शुरू होएगा काम, फिर गवर्नमेंट कहेगी, हमें उससे पहले ही ये काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि अभी भी फ़ोन में तो यूज़ होता ही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो प्रॉब्लम बाद में आने लगी है, अभी भी प्रॉब्लम है ज़रूर है। और इसको सिर्फ 5% रिसाइकिल किया जाता है वर्ल्ड में, और वो भी इतने अच्छे से नहीं कह सकते क्योंकि ये स्टैट्स हैं, बाकी 95% हमारी धरती को ही ख़राब कर रहा है। तो ये प्रोसेस है जिससे लोगों को पता चल जाए कि प्रोसेस ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ मशीन चाहिए और ये प्रोसेस होता रहेगा, बस ये जितनी जल्दी इंप्लीमेंट हो उतना हमारे लिए अच्छा है। अगले कुछ ही सालों विच इलेक्ट्रिक वाहनों लिए भारत तीजा सब तो वड्डा बाजार बनन जा रहा है। अजिहे विच जेकर इन्हां विद्यार्थियों की काढ उत्ते अमल किया जाए तो देश की आर्थिकता नूं तां फायदा होवेगा ही, नाल ही इलैक्ट्रिक वाहनों दीआं बैटरियां दे कचरे तो होण वाले प्रदूषण तो निजात दवाउण विच वड्डी मदद मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जसप्रीत सिंह के नाल पत्रकार सुखविंदर सिंह की लुधियाना तो खास रिपोर्ट।